दोस्तों एक दिन क्या होता है कि ब्रॉन स्टोमैन घर जाने के लिए बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों बाहर आने के बाद वो ऐसा कुछ देखते हैं जो देखने के बाद वो गुस्से से आग बबूले हो गए थे। तो आप लोग भी देखोगे ना तो आप लोग भी चौंक जाओगे। तो जुरेसला सबकी कार को तोड़ के रख देता है, उसकी कार को आज कोई तोड़ के चला गया था। तो देख के तो ब्रॉन स्टोमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उधर पे साइड में एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था, उसको जाकर पूछने लगा ये सब किसने किया। और सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत ज्यादा डर गए थे और डर के मारे बोल दिए कि आपकी कार जिन लोगों ने तोड़ा है वो लोग सामने वाला वैन में है। दोस्तों आप लोग ये भी जान के शॉक हो जाओगे कि वो वैन में कौन कौन थे। वैन में थे दोस्तों द मीज और जॉन मॉरिसन। वो दोनों दूर में उस वैन पे बैठ के ये सब चीजों का मजा ले रहे होते, लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में उनका ये मजा सजा बनने वाला था। ब्रॉन स्टोमैन उस वैन को देख के जल्दी से वैन की ओर आए, दरवाजा खोलने का कोशिश की, लेकिन दोस्तों दरवाजा अंदर से लॉक था, इसलिए दोनों वैन के अंदर सेफ थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को तो पता है ब्रॉन स्टोमैन के गुस्से के बारे में। वो पहले वैन को नीचे से पकड़े और बहुत ही ताकत लगा के वैन को पलट दिए और उसके बाद ही उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ।